हाय गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी एग उबालने का सही तरीका, किस तरह से हम एग को उबालें ताकि हमारे एग कच्चे ना रहे। चलिए जानते हैं। ये मैंने एग ले लिए हैं, अब इनको मैं पानी में डाल देती हूँ। ये इस तरह से पानी में हमारे डूबे हुए होने चाहिए, यानी कि पानी इनके ऊपर से आना चाहिए इस तरह से, कुछ आप देख सकते हैं। अब मैं इनको गैस पर रख देती हूँ, गैस पे रख रही हूँ, आप देख सकते हैं। आप ना ही यानी कि मीडियम गैस पे आपको इसे रखना होगा, आप देख सकते हैं। तेज अगर हम इसको करते हैं, तेज आंच पे पका देते हैं, तो ये जल्दी हमारे फट जाते हैं और अच्छे से बेक भी नहीं होते हैं। इसलिए ये आप देख सकते हैं कि हमारे एग जो है बॉइल हो चुके हैं। इस तरह से आपने अपने एग जो है बेक कर लेने हैं। इनमें जो है महीन सी एक परत आ गई है, जो एग के ऊपर की परत टूटी हुई है। इस तरह से पता चल जाता है कि हमारे एग बॉईल हो चुके हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितने अच्छे हमारे एग बॉईल हो चुके हैं, और खाने में भी ये बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। आपको 10 से 15 मिनट तक इनको बेक करना होगा आज से।